गुड मॉर्निंग सेकेंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, आज हम देखो आपकी बुक में पेज नंबर 53 में दिया हुआ है राइटिंग, ये करेंगे। ओके बच्चों, ये है इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है हमें किसी को इनवाइट करना हो या कैजुअली हम किसी को भी अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को जो लेटर लिखते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। ओके, हियर इज़ अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू योर बर्थडे पार्टी। यहाँ पे जो लेटर लिखा गया है, आपको अपने फ्रेंड को अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करना है, तो ये वो लेटर है। ठीक है बच्चों, कंप्लीट द लेटर यूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको उनकी मदद से आपको ये अपना लेटर कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले डियर, आप ये आप खुद लिखेंगे, आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है यहाँ पर। देखो डियर योर फ्रेंड्स नेम, ठीक है। माय बर्थडे इज ऑन, यहाँ पर आपको अपने बर्थडे की डेट लिखनी है, जो भी है आप अपने बर्थडे की डेट लिखो यहाँ पे। और यहाँ पर आप जिस अपने बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट करना चाहते हो उसका नाम लिखो, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ बर्थडे पार्टी एट होम, मैं अपने घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू हैव अ पार्टी एट होम, आई विल बी वेरी हैप्पी, है ना। आप भी खुश होते हो ना जब आपका बर्थडे होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू कम टू माई पार्टी, मतलब मैं बहुत खुश होऊंगा या होंगी अगर आप मेरे घर पार्टी में आओगे तो। ओके, वी विल हैव अ ग्रेट टाइम, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। ओके, योर्स लविंगली, नाउ यहाँ पे क्या लिखना है आपको, आपका खुद का नाम, योर नेम। देखो लिखा हुआ है ना योर नेम, तो यू हैव टू राइट हियर योर नेम। ओके, यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड का नेम लिखना है जिसको आपको इनवाइट करना है, उसका नाम, और नीचे आपको क्या लिखना है, अपना खुद का नाम। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो पिक्चर में देखो सारे बच्चे मिलके कैसे बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं ना। देखो कैप्स लगाई हैं, कितना सुंदर केक है, एंड देन गिफ्ट्स भी लाए हैं बच्चे, आपके फ्रेंड्स भी आपके लिए गिफ्ट लाते होंगे, है ना। और आप भी जहाँ किसी की बर्थडे पार्टी में जाते होगे तो गिफ्ट लेके जाते हो, है ना बच्चों। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दिस पंक्चुएशन, कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। पंक्चुएशन मार्क का मतलब होता है जहाँ पर हम सेंटेंस जब स्टार्ट करते हैं तो हम फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा यू हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर्स, और जब सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो हमें क्या लगाना चाहिए, फुल स्टॉप। अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्वेश्चन मार्क, देखो ऐसा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। तो बच्चों जब भी आप कोई भी सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए, ठीक है। देखो रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। ये जो सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें ना फुल स्टॉप है और ना ही कैपिटल लेटर है, ठीक है। प्लीज़ हेल्प मी विद दिस सम, तो फर्स्ट लेटर क्या है, पी, यहाँ पे छोटा लेटर है, उसको आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। देखो मैंने लिख के दिया है आप लोगों के लिए, है ना बच्चों। एंड देन लास्ट में आप क्या करोगे, आप है ना फुल स्टॉप लगाओगे, ठीक है। ओके, एंड देन सेकेंड में क्या करना है, शी वेंट टू चेन्नई ऑन सैटरडे। शी जो है एस फर्स्ट लेटर है तो उसको आप कैपिटल में लिखोगे, और चेन्नई एक शहर का नाम है तो उसको भी आप सी जो है वो कैपिटल लेटर में लिखोगे, ऑन सैटरडे। और सैटरडे का एस भी जो कि ये डेज का नेम है, किसी का भी नाम होता है ना तो हम उसको फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ओके, एंड देन शो मी योर हाउस, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है, एस, तो आप एस क्या लिखोगे, कैपिटल लेटर में लिखोगे, और लास्ट में क्या लगाओगे, फुल स्टॉप, ठीक है ना बच्चों। आई होप समझ गए होगे आप। एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़
rearrange the words and write the sentences using capital letter and full stop. इससे पहले वाले में हमने क्या देखा था कि सेंटेंस बराबर था लेकिन उसमें कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप नहीं था. बट हियर इन दिस सेंटेंसेस ये जंबल्ड सेंटेंसेस हैं. आपको उनको जोड़ के एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना. तो विल कोलकाता आई गो ऑन मंडे टू, ये देखो कोई सेंटेंस नहीं हुआ बच्चों, तो उसको हमको जोड़ के एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बनाना है. आई विल गो टू कोलकाता ऑन मंडे, तो फर्स्ट लेटर आ गया कैपिटल लेटर एंड मंडे इज ऑल्सो एम इज ऑल्सो इन कैपिटल लेटर्स एंड लास्ट में हमने क्या लगाया फुल स्टॉप, ठीक है. मी द गिव बॉल न्यू, अब ये देखो ये भी कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, तो हम कैसे लिखेंगे, गिव मी द न्यू बॉल, ठीक है. ये एक कंप्लीट सेंस का सेंटेंस बन गया, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे फुल स्टॉप. ओके बच्चों, अब थर्ड वन है विल यू टेल आई स्टोरी ए, तो हमें इसको कंप्लीट सेंस में कैसे करना है, आई विल टेल यू अ स्टोरी. आई क्या होगा कैपिटल लेटर होगा और लास्ट में क्या लगाएंगे हम फुल स्टॉप, ठीक है बच्चों. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ये मैं पिक्चर्स अभी सेंड करती हूँ. ओके, थैंक यू.